जुड़ा हुआ, चाहे आप उसे पाठक कहें, श्रोता कहें, दर्शक कहें, हम उसकी परिभाषा अलग तरह से रखते हैं कि वो हमारे परिवार का सदस्य है। हम उसको न पाठक मानते हैं, दूसरी कोई हमारी परिभाषा है। जैसे पेड़ के हम सब पत्ते हो, तो उसी तरह से हम सबको हम अपने ही परिवार का एक अंग मान करके उनके बीच में रहने का प्रयास करते हैं, काम करने का प्रयास करते हैं। और अगर कोई पत्ता पीला पड़ने लगे, कहीं किसी तरह की दिक्कत आ रही है, हम वो हमारी तकलीफ है, हम उसको अपनी तकलीफ मानकर सब जगह जाकर लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। इसमें न किसी तरह की राजनीति है, न किसी तरह का व्यापार है। मैं तो वैसे भी कई सालों से मुक्त हूँ कामकाज से, लेकिन ये मेरा काम है। लेकिन ये इस उपस्थिति को ही हम सब जगह, अगर आपके साथ संवाद नहीं हो तो हम वहाँ बैठे हुए यहाँ के लोगों के साथ कुछ समझ नहीं पाएंगे, नया की समस्याओं को हम समझ पाएंगे। ये जो ये इसका परिणाम हमने देखा, सभी राज्यों में गए, करीब सब जिलों में ज्यादा जल्दी रही, लेकिन ये जो आदान प्रदान का ये जो परिणाम है, हमारा अनुभव ये है कि अभी आज जो कुछ यहाँ चर्चा हम करेंगे, एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर सारे मुद्दों को उठा चुके होंगे जो भी आप लोग हमारे यहाँ सामने रखते हैं। हमारी जिस तरह की भागीदारी की आप अपेक्षा रखते हैं, हमारी टीमें उन पर लगेंगी, और इससे ज्यादा त्वरित परिणाम का हमारे पास कोई रास्ता नहीं। हमने अब आजकल हमने देख रहे हैं कि खबरें छापने के बाद भी बहुत सारे काम नहीं हो रहे, तो उसका रास्ता है व्यक्तिगत समाधान में उतरना पड़ेगा। आज हमारा अनुभव यहाँ तक है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले लागू नहीं होते। 10-10, 20-20 साल एक आदमी मुकदमा करता है, उसके बेटे को फैसला मिलता है, उसके पोता इम्प्लीमेंट कराने के लिए घूमता फिरता है। यानी उस अदालत का अस्तित्व कहाँ रह गया, वो समाप्त हो गया। उसके इसको हम इतना दूर समझना पड़ेगा बात को, अगर उतना दूर की बात नहीं होती तो शायद हमें भी जरूरत नहीं पड़ती, पर आज जरूरत है। आज मीडिया सेतु की जगह छोड़ रहा है। संविधान में 3 स्तंभ है, मीडिया उसकी सेतु है जो जनता और सरकार के मध्य काम करता है, ये हमारा सिद्धांत है। प्रश्न क्या है, समय में परिवर्तन इतना तेजी से हुआ और इतना एक तरफा हो गया कि अब मीडिया कहता है चौथा पाया हो गया, सेतु नहीं रहा, चौथा पाया का मतलब सरकार का हिस्सा हो गया। इसका अर्थ हुआ कि जनता के और सरकार के बीच का संपर्क सब समाप्त हो गया, तब जनता की बात ऊपर तक नहीं पहुंचने वाली, और हम बोलेंगे तो उनको सुनने वाला नहीं है। इस परिस्थिति से हम गुजरने लग गए, हमारा लोकतंत्र गुजरने लग गया। तो लोकतंत्र के अगर हम सेतु हैं, लोकतंत्र को प्रतिष्ठित रखने के लिए 365 दिन अगर हम काम कर रहे हैं, तब इस परिस्थिति को भी हमें कहीं ना कहीं समझ करके आगे आना पड़ेगा। और वो अब हमको ये लग रहा है कि जनता ने भी प्रतिक्रिया करना छोड़ दिया। अब जैसे पेट्रोल के भाव इतने बढ़ रहे हैं, पर देश में जितनी प्रतिक्रिया होनी चाहिए आज भी नहीं है। एक समय था कि जब हम अखबार में कभी 5 पैसे पड़ जाते थे कीमत के, तो इतनी चिट्ठियां और फोन हमारे पास आते थे कि साहब आप अन्याय कर दो, 5 पैसे कैसे बढ़ा दिया आपने। वो प्रतिक्रिया लगभग लगभग बंद सी हो गई। इसके अपने एक लोकतांत्रिक स्वरूप हैं जिसको आज विपक्ष भी नहीं उठा रहा। हमें को एकदम जो हमको अब देखना चाहिए, चाहे आप दिल्ली में देखें चाहे किसी भी राज्य में देखिए, जो पार्टी हार के घर बैठ जाती है वो प्रतिक्रियाएं नहीं कर रही कि सरकार अच्छा कर रही है या अच्छा नहीं कर रही है, फिर जनता की बात करने का प्रश्न ही समाप्त हो रहा है। ये राजस्थान पत्रिका के 2 बड़े मुद्दे हैं, 2 सिद्धांत हैं, अपने दृष्टिकोण हैं कि हम सामाजिक शिक्षा के साथ बने रहेंगे और लोकतंत्र की ये भूमिका निभाए चले जाएंगे। हमको सही पूछें तो अब विपक्ष का आधार माना जाता है,
सत्ता में कोई भी पक्ष है, हम विपक्षी हैं, क्योंकि विपक्ष में जो पार्टी है वो काम ही नहीं करती, उधर जाके सो जाती है। इस तरह से जो अभी आपने दो चार उदाहरण सुने वो इसी बात के परिणाम है। तो जो मार विपक्ष को पढ़ने चाहिए सत्ता की, वो मार राजस्थान करते हैं, वो पढ़ते हैं, इसीलिए कि हम उनको सुनने के लिए नहीं। और हमारी खबरों में चूंकि वो गलती नहीं पकड़ पाते, न्यायालय हाईकोर्ट मतलब हमारी खबरों को पढ़ के रिट नोटिस जारी कर देते, इतना भरोसा आज है। और यही विश्वास पाठकों के बीच भी है कि पत्रिका अगर कुछ कह रहा है तो पाठकों के हित का होगा। जो दूसरी तकलीफ हमारे सामने आ रही है वो नई पीढ़ी से आ रही है। आपसे बुजुर्ग लोग घर में अपने घर की तीसरी पीढ़ी को हम देखें, पोते पोतियों को देखे, नातियों को देखे, क्या वो हमारे विचारों के साथ चल रहे हैं? नहीं चल रहे। और हम उनको रोक भी नहीं सक रहे। अगर उसको पिज्जा खाना है तो हम पराठा नहीं खिला सकते, अगर उसको जीन्स पहननी है तो हम उसको पजामा कुर्ता की बातें नहीं कर सकते, समझिए। और मैं कहता हूँ मैं इस घर का मालिक, पर मेरे नीचे से चादर कैसे करी है? वो बच्चा इस देश से दूर जा रहा है, अभी किसी का यह दृष्टिकोण नहीं उठ रहा है। पढ़ाई उसको इस देश से दूर कर रही है। किसी की भी किताब में, छठी आठवीं बारहवीं किसी की कोई किताब में आप बताएं कि वो इलाहाबाद का कोई इतिहास पढ़ाया जाता है, इलाहाबाद का उत्तर प्रदेश का कोई भूगोल पढ़ाया जाता है? किसी बच्चे को बता नहीं वो कौन से यूपी से बिलोंग करता, क्योंकि शिक्षा में सब गायब है। तो उन और दूसरा अंग्रेजी की जो मार पड़ रही है या छाप लग रही है उसकी किसी किताब में हिंदुस्तान नहीं है, हमारी संस्कृति की चर्चा नहीं है। हमको इस शिक्षा का दूसरा, ये एक पहलू है, लेकिन इससे बड़ा पहलू यह है कि शिक्षा शरीर और बुद्धि की दी जा रही है। हमारी पूरी शिक्षा का आधार IQ है, इम्तिहान में नंबर आने चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। मन आत्मा ये जो बाकी दो हिस्से मेरे जीवन के, उनका उनकी चर्चा शुरू में है। हिंदुस्तान तो आत्मा के सारे जी रहा है, मन के ऊपर जी रहा है। हमारी जिंदगी के सपने मन में बैठे हैं, अच्छा बुरा सुख दुख दया करुणा कुछ भी नाम लो, सब मन के अंदर है। बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है, इतिहास भी नहीं है, तर्क है। अब इस बात को कि मैं अगर जितना ज्यादा पढ़ता चला जाऊं मेरा वो बैलेंस खत्म होता जा रहा है, मैं बुद्धिमान होता जा रहा हूं, शरीर के बारे में खूब मेरे पास जानकारियां है, पर मन का धरातल खत्म होता जा रहा है, आत्मीयता के संबंध छूटते जा रहे हैं, संवेदना खत्म होती जा रही है, जीवन में जो संघर्ष है उनको उनका सामना करने की शक्ति नहीं है मेरे पास। तो मेरे को जिधर हवा का झोंका आ रहा है मैं चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास वो अपनी किताबें आ नहीं रही, शिक्षा से नहीं आ रही है, और ये तकनीक बच्ची को ताकत ये मेरी खींच रहा है। घर में चार आदमी है, चारों के पास फोन है, तब नुकसान क्या हुआ इसका? इनको क्या चाहिए ये जाने, इनको क्या चाहिए ये जाने। बहन भाई माता पिता किसी की भी जो जरूरत हो वो अपने आप तय करें, मैं सिर्फ मेरी बात मेरी जरूरत के उसको ध्यान दे रखे जीवन का जो सामूहिक जीवन पर आधारित संस्कृति थी, वसुदेव कुटुंबकम की आधारित संस्कृति थी, वो एकल जीवन जो बराबर टिकने लग गई। तब अगर मैं अपने परिवार के सदस्यों की चिंता नहीं करूंगा, समाज की चिंता कहाँ होने वाली है, राष्ट्र की चिंता कहाँ होने वाली है? ये मूल प्रश्न वो है जिनको पत्रिका ध्यान में रखकर उन लोगों को पुनः माटी से जोड़ने का प्रयास करते नहीं किया तो ये भूमिका भी कहाँ तक सफल होगी? मुझे तो हमारा काम तो प्रयास कर रहे, ईश्वर जा रहे, हम तो वही कर रहे, माँ बोले शुक्राचार्य। प्रश्न ये है कि जब तक माँ बाप साथ नहीं जुड़ेंगे हम सफल नहीं हो सकते। माँ बाप ने बच्चों का साथ छोड़ दिया, ये
ये सबसे बड़ी विपत्त विडंबना देश की आज है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का एक घंटा आधा घंटा रोजाना नहीं देता। अगर वो आज भी शुरू हो जाता है तो हम ईमानदारी से उन सब परिस्थितियों से जीत करके आगे निकल जाएंगे। तेरा फिर अमृता का आश्वासन दो कि मेरे आशीर्वाद यहाँ से आज लेके जाऊँ कि आप सब लोग आधा घंटा जरूर देंगे। वही भविष्य है, वही देश है, वही समाज है। हमारा टाइम तो पूरा हो गया, भावी करना है। उन अगर नहीं नहीं तो अपनी संतान हूँ, दूसरा कौन है? पिता हो जाए तो पुत्र, पुत्र कौन है? पिता ही तो है, वही तो पुत्र बन रहा है। और इसका अर्थ है कि उसका अगर निर्माण है तो मेरा अपना ही निर्माण है, उसकी तकलीफ है तो मेरी तकलीफ, वही मेरा प्रतिनिधि है अगली पीढ़ी के अंदर। तो इसलिए मैं समझता हूँ उस दायित्व को हम कैसे छोड़ रहे हैं, ये एक तकलीफ हो गई। अब पत्रिका अकेला एक नहीं गया कितना, हम आप नहीं मानेंगे हम किस किस रूप में, पर अगर आप लोगों के आशीर्वाद बने रहे, हम सब मिलके एक इस थॉट पे चलेंगे, बहुत से रास्ते निकालेंगे। खाली ये जो जिंदगी की छोटी छोटी समस्याएं हैं वो छोड़ रही हैं। पहली समस्या ये, जिन जिन चीजों को हम ब्रह्म की परिभाषा देते थे, अन्न को कह, आज अन्न तो जहर हो गया, उसमें आपको कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा है। सब पेस्टिसाइड खा रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं? बच्चों ना आपने कैंसर ही कैंसर की लाइन लग रही है। डेयरी का दूध है तो क्या है, सब वो भी कैंसर ही है। हजारों तरह की गायें, बीमार गायें हैं, नकली दूध, आर्टिफिशियल सिंथेटिक दूध, इंजेक्शन का दूध, मुझे नहीं पता क्या क्या आ रहा है। उनकी रिपोर्ट, अब कई देशों ने डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट पे बैन लगाना शुरू कर दिया, कई देशों ने गेहूं के ऊपर बैन लगाना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ अभी चर्चा भी शुरू नहीं है, बल्कि हमारे किसान भाइयों को इतना भ्रमित किया हुआ है कि वो बेचारे लाइन में लगे, मेरा खाद कम पड़ रहा है, मेरे को खाद नहीं मिल रहा, बहुत दिन हो गए। तो उसकी लड़ाई में ये होता है कि उस लड़ाई में फंसा हुआ है, और वही किसान सबसे पहले कैंसर ग्रस्त होकर इलाज के लिए भी आ रहा है। तो इस हरित क्रांति की इस परिस्थिति से आपको देख लिया कि वो ट्रेन क्या कहती है, जहाँ केवल कैंसर के मरीज आ रहे हैं, रोजाना आ रहे हैं कैंसर ट्रेन। और अब ये ट्रेन एक से काम नहीं चलेगा इस देश में, कोरोना को हम भुगत चुके, सारा देश भुगत चुका, ये कोरोना खत्म अब नहीं होने वाला। नाम भले बदल, कोरोना का नाम बंद हो जाएगा, पर ये जो विष हम खा रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी रह ही नहीं सकती शरीर में। जिन आपके बच्चों को देखते ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनकी आंखें आज 8 साल का, 7 साल का, 10 साल का बच्चा आज ऑनलाइन पढ़ रहा है या पढ़ रही है, क्या करेंगे उनकी आँखें, कितने दिन चलेंगे? इसीलिए पहली जरूरत है कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ जुड़े, वो संस्कार मेरे छूट गए, उन संस्कारों को पकड़ना पहले जरूरी। नींव अगर आपकी मजबूत हो जाएगी, कोई भी मकान बनाओ, कोई आर्किटेक्ट कोई डिजाइन डाल देगा, कुछ बनने वाला नहीं। हमारी जरूरत है नींव, हमारी वापस कच्ची हो जाए, और इतनी ज्यादा हो गई कि अभी आज की तारीख में तो हम वापस लौटने की स्थिति में ही नहीं नजर आ रहे। अगर मैं भी अपने बच्चों को देखूं, पोते पोतियों को देखता हूं, तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं किसी आदेश देकर के उनको वापस बुला सकता हूं, नहीं बुला सकता। तो समाज के इस निर्माण के अंदर पहली जरूरत है हमारी अपनी भूमिका होनी चाहिए, और अगर वो भूमिका हमने शुरू कर ली तो मैं तो सही कह रहा हूँ कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। अभी कुछ नहीं बोल, अभी हम हिंदुस्तान में वो ताकत है जो आदमियों को झेल सकता है। प्रश्न हम तैयार हैं कि या नहीं है। हमारी दिक्कत क्या है कि घर में दो पैसे आए तो सबसे पहले दूसरे बच्चे को बाहर भेज दो, हॉस्टल में भेज दो, बाहर पढ़ने भेज दो। अब उस बच्चे को आप भेजिए, पर उसको अब जो ममता वाला जो पार्ट है वो उसको नहीं मिल सकता, वही उसके आत्मा का सिंचन करने वाला वो कहते हैं एलिमेंट है। वो केवल बुद्धिमान बन के ही आएगा ना,
आप देखिए जितने बुद्धिमान जीवियों बुद्धिजीवियों को आप जानते हैं उनकी जीवन शैली को आप खुद देख लीजिए। आपके सर्कल में हर एक के सर्कल में दो दो पांच पांच दस लोग बुद्धिमान होंगे। बुद्धिमान का स्थिति क्या है बहुत गंभीरता का प्रश्न है। इसमें 8 घंटे हम अच्छी नौकरी चाहते हैं, अच्छा कैरियर चाहते हैं, अच्छा पैकेज चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरी 16 घंटे के जो मेरी जिंदगी के सपने हैं मैं उनको पूरा कर सकूं, अपने जीवन का निर्माण कर सकूं। पढ़े लिखे को देखिए क्या ये हो रहा है। मैं एक संपादक हूं तो मुझे 8 घंटे की इस नौकरी से 16 घंटे का मेरा जीवन कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने की जरूरत होनी चाहिए। होता क्या है, मैं जब घर जाता हूँ बच्चों से संपादक बात करता है, माँ बाप से संपादक बात करता है, पत्नी से संपादक बात करता है, मेरा अस्तित्व खत्म हो गया, मैं कहाँ जी रहा हूँ ये बड़ा प्रश्न आ गया। किसी भी बुद्धिजीवी को देखेंगे आप, उसके 8 घंटे के साथ जो बाकी 16 घंटे उस 8 घंटे में लीन हो गए, तब हमको समझ में आएगा जीवन की वो हमारी उस पढ़ाई की सार्थकता की समझ में तब आएगी। क्योंकि इसमें सिवाय पेट भरने के वैसे भी कुछ नहीं है, आप डिग्री का क्या कर लोगे। क्या ये कष्ट नहीं देता कि मैं पेट भरना सीखने के लिए 20 साल पढ़ता हूँ, माँ बाप की पूरी उम्र भर की कमाई उसमें लगा रहा हूँ और फिर भी किसी को कुछ देने लायक नहीं बन पाया। इस देश की संस्कृति देने पर टिकी है, लेने पर नहीं टिकी। लेने वाला तो अभावग्रस्त ही कहेगा कुछ भी लो। तब बड़ा प्रश्न यह है, मैं वापस संक्षिप्त में समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं कि हम जब इतने दूर जा रहे हैं इस देश से, आज टैलेंट भी बाहर जा रहा है, कारखाने में जितने लोग उसमें विदेशी घुस रहे हैं हमारे वो इससे जा रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, कुछ भी नहीं सब बाहर जा रहे हैं। आप उतर दीजिए बिकरा बार वाले आके खरीद रहे हैं। 2 पीढ़ी बाद हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे मेरी अभी समझ में नहीं आ रहा। तब तब तक दूसरे कहीं 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 से दूसरे लोग स्थापित हो चुके हैं, जबकि हर बीज का एक सपना है, एक ही सपना सारे बीज धरती पे ब्रह्मांड में एक ही सपना है बीज का कि मैं पेड़ बन जाऊं। कोई बीज ऐसा नहीं जो पेड़ नहीं बनना चाहे, पर उसको पेड़ बनने के लिए जमीन में गड़ना पड़ेगा, अपने अस्तित्व को छोड़ना पड़ेगा, अपने फलों को का मोह त्याग करना पड़ेगा। आज की पढ़ाई ये नहीं सिखाती, वो कहती कि अपनी कमाई खुद खा जाओ, माँ बाप ने जो आपके लिए छोड़ा उसको भी आप खा जाओ, कभी बच्चों के लिए क्या छोड़ेंगे। ये जो मूल झगड़ा है ना, यहाँ समझ में आएगा हमको कि हम अपने बच्चों के लिए नहीं कुछ छोड़ना नहीं। अभी मुझे पैसा छोड़ने की जरूरत नहीं है, अच्छे होंगे तो कमा लेंगे, खोटे होंगे तो आपका छोड़ा हुआ भी उजाड़ देंगे। आप तो उनके लिए व्यक्तित्व उनका निर्माण करके छोड़ो, पर वो जब होगा जब हम अपने बजाय अपने बच्चों के लिए जीना शुरू करेंगे। दृष्टिकोण में इतना बड़ा अंतर आपको लाना पड़ेगा कि मैं अब खुद के लिए नहीं पी सकता। और ये तब इसके लिए वापस हमें उसी माटी की बात याद करनी पड़ेगी। ये जो पत्रिका ये जितने काम कर रहे हैं, जो इनका खबरों से लेन देन नहीं है न व्यापार से लेन देन है, पर सामाजिक सरोकार जितने राजस्थान पत्रिका हाथ में लेता है उसका एक ही लक्ष्य है कि हम जो दूर माटी से दूर चले जा रहे हैं उनको वापस माटी से जोड़ने का। राजस्थान रेगिस्तान है, बारिश नहीं है, आए दिन अकाल पड़ रहा है। अब अगर पत्रिका एक ही आह्वान करता है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं अपने यहाँ से गुठिया अनाज लेके थैली में जाते टीचर को जाके सौंपते हैं, और मेरे जो बहन भाई भूखे मर रहे हैं आप इस अनाज को वहाँ भेज देना, इसमें अनाज थोड़ी आप इकट्ठा करने वाले हैं। पर वो आदमी जब तक जिएगा उसके जहन में ये रहेगा कि हम मदद करते थे आपातकाल में, अकाल में अपने बहन भाइयों के लिए अनाज लेके जाया करते थे, ये संस्कार होगा उसके मन में। हम कहते हैं अपनी साल के ऊपर एक पेड़ लगा दो,
पांच दस साल बाद जब भी उधर से गुजरोगे तो ध्यान आएगा आपका, मैंने एक पेड़ लगाया था है या नहीं है, इतना तो आप जमीन से जुड़ गए वापस कहीं बंधे हुए हो। इतनी ये जो अमृतम जलम की बात है, ये साधारण बात, ये हमारे ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर। राजस्थान की गर्मी छोटी नहीं है, 47-48-50 डिग्री तक भी जाती है, पर जब हम आह्वान करते हैं कि अपने तालाब की मिट्टी खोदो, कोई बावड़ियों को साफ करो ताकि पानी पूरा भरेगा। आप हवाई सर्वे करके देखिए राजस्थान मध्य प्रदेश जहाँ जहाँ हमें उस आह्वान के ऊपर पूरे के पूरे सारी आबादी आपको मिट्टी खोदती दिखेगी। अगर अगर इतना एक रिक्वेस्ट पर ये हमको उपलब्धि है, हमें और तो कुछ भी नहीं चाहिए, पर उसका परिणाम क्या है? ये परिणाम हमको पानी की लड़ाई नहीं है हमारी, वो उसका स्थूल उद्देश्य है। पानी बरसात हुई, पानी भर गया, सब लोग खुश हो गए। खुशी तो सबसे ज़्यादा उसी को होगी जिसने मिट्टी खोदी है, असली तो हर उसका मन हरा तो उसी का होगा। पर ये छोटी बात हुई, इसके पीछे वापस वही देखें कि हम उस आदमी को जमीन से जोड़ रहे हैं। मोटा जो काम है वो वहाँ समझना है, हमारे सारे सरोकार ले लेकर के, हमारे वेदों को लेकर के कई कॉलम चलते हैं, लेकिन उनका वैज्ञानिक विवेचन चलता है, अर्थ नहीं चलता उसके अंदर से, कई मनोविज्ञान नहीं चलता, दर्शन नहीं चलता। उनकी वैज्ञानिक भूमिका क्या, गीता की भी वैज्ञानिक भूमिका एक एक श्लोक में हम देखेंगे तो तब नई पीढ़ी पड़ेगी उस शास्त्र को, उनको संस्कृत नहीं आएगी या उनको वैदिक विज्ञान भाषाएं नहीं आएगी। आपको अगर ये उन विज्ञान अपने ज्ञान पर भरोसा कराना है, अपनी पीढ़ी को उनके साथ जोड़ना है, पहली शर्त है कि जोड़ना अनिवार्य होगा, होना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान इस देश के बाहर किसी देश में नहीं है। और इसमें भरोसा जब तक नहीं आएगा, जब तक मेरे बच्चे को ये पता नहीं लगे कि साइंस है इसमें, उसको साइंस उत्तर साइंस की चोले में चाहिए। पत्रिका ये सभी काम कर रहे हैं, पत्रिका की जो सामग्री है आप इस स्तर की है, इसमें संवेदनाएं हैं। हम पत्रिका को आत्मा का अखबार कहते हैं, द न्यूज पेपर विद ए सोल, यानी एक, यानी हम ये कह रहे हैं कि जो पढ़ने वाले हैं आप लोग, आपको राजी रखने से ज्यादा हमारे कोई लक्ष्य नहीं है अखबार का। जिसको 365 दिन आप राजी रखना चाहो वही भगवान है, फिर हमारे लिए आपसे बढ़कर भगवान कौन है? नहीं है। एक दिन भी अखबार आपके लेट होता है तो घर के बाहर चक्कर लगाते, क्या हो गया, कहाँ तक आया, मेरा दिन शुरू नहीं हो रहा, समझिए। और अगर इतने भरोसे के साथ अगर हम उसको सामग्री दे रहे हैं, तो जो वहाँ सामग्री लेके जा रहा है हमारे अखबार को उसके दरवाजे पे, वही मेरा पुजारी है उसका, वही उसकी पूजा की थाली है, और अखबार में जो लिखा है वो पूजा की सामग्री है, वही उसके फूल पत्तियां चढ़ रही वाली सामग्री कहते हैं हम इसको। तब हमको ये लगता है कि वर्क इज वर्शिप। लिखते लिखते आपको समझ में आ जाएगा कि इस लाइन को पढ़ के उसका चेहरा कैसा हो जाएगा, आप वही उसको ठीक करेंगे। पढ़ने वाले को भी लगेगा कि ये मेरे को ये कहा जा रहा है। ये देखिए, ये इस रिश्ते को हम दिमाग से नहीं बांध सकते, पाल नहीं सकते, बड़ा नहीं कर सकते। आपको इसको पूजा पाठ मान करके ही, उस अर्थ में ही अगर हम देख सकेंगे तो हम भक्त बन करके ही काम कर पाते हैं, और यही सामाजिक सरोकारों का हमारा मूल उद्देश्य है। इसीलिए हम आपसे मिलते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपकी समस्याओं को हम कहाँ आपके साथ जुड़ के, सरकार से भी लड़ना पड़ेगा, तुम लड़ेंगे, क्योंकि अब आप भी उसी पेड़ के पत्ते हैं जिस पेड़ के हम पत्ते हैं, तो हमारा भी नहीं होता कष्ट को। तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करना चाहता हूँ कि हमारा वही उद्देश्य जीवन में, जो आपका अपना अपना उद्देश्य होगा, हम सब मिलकर एक सुख का जीवन जिएंगे, लेकिन अब हमारे जीवन का लक्ष्य आने वाली पीढ़ी पर लक्षित होना चाहिए। बस हम उनके लिए जिए और उनके लिए समय थोड़ा निकालेंगे तो एक बहुत सुदृढ़ और संस्कारवान समाज का निर्माण कर पाएंगे।
हर घर में अभिमन्यु पैदा होंगे। इसी के साथ मैं आप सबका पुनः प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ और अपना एक परिचय देते हुए अपनी अपनी बातें कर इसके मन में क्या सपना है अपने शहर का अपने जीवन का जो भी मानते हैं हमें उसकी बात उनको हम अपने वाचन के द्वारा कहीं 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 आपके उन अपेक्षाओं पर उतारने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।